नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दिनांक 6 जून। पहला, हाल ही में कहां पर थर्माकोल से बनी हुई प्लेटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। दूसरा, अभी हाल ही में किस राज्य ने 2 जनवरी 2019 से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य, जिसकी राजधानी है चेन्नई। ये साउथ का राज्य है। ये दोनों प्रतिबंध कल 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। और इस पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, अर्थात प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से की रोकथाम हमको करना, उससे हमको लड़ना। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो बिटकॉइन आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है बिटकॉइन? तो यह एक मुद्रा है, एक करेंसी है। जैसे रुपए होते हैं, डॉलर होते हैं, इस प्रकार से बिटकॉइन भी एक करेंसी है। लेकिन यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित है। इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है बिटकॉइन को। ये सबसे महंगी करेंसी इस समय की है। बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। तो पुरातत्वों की बात करें, पुरातत्वों का अर्थ है पुरानी खोजें, पुराने खुदाई वगैरह करके पुराने जगहों के बारे में जानकारी, जिससे कि हमें हमारे पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। तो पुरातत्व में बात करें, सोनौली एक जगह है। जगह का नाम क्या है? सोनौली। कहाँ पर है ये? बागपत उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? बागपत उत्तर प्रदेश में है। इसमें अभी खुदाई में तांबे का रथ मिला है और खाट नुमा ताबूत मिले हुए हैं, जो कि पुरातत्व कर्मियों के अनुसार महाभारत कालीन होने की उम्मीद है। तो महाभारत कालीन या उसके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा काल और मेसोपोटामिया सभ्यता के लगभग के पुराने होने की उम्मीद है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो प्रसिद्ध एप्पल कंपनी, इसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा, अभी हाल ही में सैमसंग से डिजाइन चोरी के संबंध में ये केस भी जीत गई थी। और इसके जो CEO थे स्टीव जॉब्स, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था, काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो इस एप्पल कंपनी ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात OS जिसको कहते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? iOS 12 इसका नाम है। इसमें खास बात हम आपको बता दें, इसकी खास बात है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से कुछ ऐसे फीचर्स नए आ गए हैं, जिसमें एक है फेस सिस्टम। तो ये इस फीचर के तहत 32 लोगों के साथ, अर्थात 32 लोगों के साथ एक बार में एक साथ लाइव चैट की जा सकती है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो सऊदी अरब, जो हमारा खाड़ी देश है, वहाँ पर पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। और यह शुरुआत सऊदी अरब के प्रिंस, अर्थात वहाँ पर के राजकुमार, वहाँ राजशाही चलती है, राजकुमार ने की है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो 2016 से सौर ऊर्जा, अर्थात सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो दीव। ये दीव कौन सा है? गुजरात के पास में, आपने नाम सुना होगा, दमन एवं दीव। तो उनमें से दीव जो है भाई, पहला ऐसा शहर है भारत का बन गया है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होता है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो आज ही के दिन, अर्थात 6 जून को सन 1984 में भारतीय सेना ने एक मिशन को अंजाम दिया था, पूरा किया था। उस मिशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। हम आपको बता दें ऑपरेशन ब्लू स्टार किस चीज़ से संबंधित है। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार योजना थी, मिशन था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, जो समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका था। और ये सिख आतंकवादियों के खिलाफ था। सिख आतंकवादियों का हेड जनरल सिंह भिंडरावाला इस एनकाउंटर में मारा गया था। उस भिंडरावाले ने अभी सभी सिख आतंकवादियों के साथ मिलकर सिखों के लिए अलग से एक देश की मांग की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था खालिस्तान। तो खालिस्तान नाम से नए देश की मांग की थी। और इस मांग के तहत उन्होंने गोलीबारी, आतंक फैलाना भारत में शुरू किया था। और जब सेना ने उन पर दबाव डाला तो वो लोग अमृतसर के प्रसिद्ध सिखों के प्रसिद्ध मंदिर स्वर्ण मंदिर में जाकर छुप गए थे। उनको वहाँ से निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद, इसी ऑपरेशन के बदले में, इसका बदला लेने के लिए कुछ सिख आतंकवादियों ने बाद में
अंगरक्षक बनकर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो यह मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, जो कि जंक्शन है उसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बात करते हैं आखिरी न्यूज़ की, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर किसको कहते हैं, ये ज़मीन वगैरह से संबंधित सेक्टर जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल इन सब को जो कहते हैं मकान वगैरह बनना, बिल्डिंग बनना, इसको कहा जाता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बाकी राज्यों से अलग कानून लागू किया है। ये क्वेश्चन दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये पूछा जा सकता है कि नया जो कानून लागू किया है उस कानून का नाम क्या है, तो नाम है हीरा, शॉर्ट में हीरा कहा है, HIRA, फुल फॉर्म है हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हीरा नाम से रियल एस्टेट नया कानून किस राज्य ने लागू किया है, तो उस राज्य का नाम क्या जाएगा, पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में रियल एस्टेट के लिए किस कानून को लागू किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में हीरा नाम से है और बाकी राज्यों में रेरा नाम से, किस नाम से है, रेरा नाम से है। धन्यवाद। एक निवेदन है, गर्मी का समय है, पानी बचाएं, पानी का संरक्षण करें। धन्यवाद।